पंजाब के मोगा से गिरफ्तार हुआ भगौड़ा अमृतपाल सुबह 7:45 बजे स्पेशल इनपुट के बाद पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ा। थोड़ी ही देर में असम की डिब्रूगढ़ जेल पहुंचेगा। सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। अतीक मर्डर केस में आरोपी लवलेश का बड़ा कबूलनामा। अतीक अहमद से मिलने पहले भी प्रयागराज आया था लवलेश। तीनों आरोपियों की आज होगी कोर्ट में पेशी। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन पर बढ़ेगी इनाम की राशि। 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 इनाम करने का प्रस्ताव तैयार। शाइस्ता पर उमेश पाल केस में शूटरों को फोन और पैसा मुहैया कराने का आरोप। तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह चेविल्ला में जनसभा को करेंगे संबोधित। ऑस्कर जीतने वाली फिल्म आरआरआर की टीम से भी करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में दलित लड़की की मौत पर बीजेपी का प्रदर्शन। पीड़ित परिवार से जाकर मिले एनसीपीसीआर के अध्यक्ष। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने की सीबीआई जांच की मांग। पुंछ हमले में आतंकियों की तलाश हुई तेज। ड्रोन, खोजी कुत्तों और हेलीकॉप्टर से हो रही है तलाश। 5 लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में किया जाएगा भव्य जलाभिषेक। 156 देशों की नदियों से आया है जलाभिषेक के लिए पवित्र जल। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अमृतपाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में डिब्रूगढ़ पहुंचने वाला है अमृतपाल सिंह। पंजाब पुलिस आर्मी के विशेष विमान से अमृतपाल को लेकर असम पहुंचने वाली है और एयरपोर्ट से लेकर डिब्रूगढ़ जेल तक बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमृतपाल सिंह को ले जाया जाएगा। जेल के अंदर और जेल के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बेहद मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जहां आईबी और एनआईए की टीम उससे पूछताछ करेगी। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल से जुड़े 9 और आरोपी बंद हैं। अमृतपाल का साथी पप्पलप्रीत भी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। डिब्रूगढ़ जेल में सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक सारे इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। अमृतपाल को भी उन्हीं 9 कैदियों की तरह हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। पंजाब पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद उसे पहले मोगा से बठिंडा लेकर पहुंची थी और फिर बठिंडा एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया।